कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े काम के सिलसिले में बेंगलुरु आती हैं, मगर अगले ही दिन बेहद ही रहस्यमयी तरीके से वो गायब हो जाती हैं। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूजा की तलाश शुरू होती है और फिर पुलिस एक ऐसी जानकारी निकाल कर लाती है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जांच में सामने आता है कि पूजा ने एक नादानी की थी। पूजा के गायब होने के पीछे की वजह पूजा की वही नादानी थी। जो गलती पूजा से हुई थी वो गलती शायद हम आप भी आए दिन करते रहते हैं। तो आखिर क्या थी पूजा की गलती और पूजा के साथ क्या कुछ हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से आगे। यकीन मानिए पूरी कहानी जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। पूजा की इस कहानी में हम सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग सीख भी है, तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये कहानी पूजा सिंह डे नाम की एक महिला की है। पूजा कोलकाता की रहने वाली थी और अभी इसकी उम्र 32 साल थी। कुछ साल पहले तक पूजा बतौर मॉडल काम किया करती थी। बाद में इन्होंने इवेंट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। पूजा की शादी 7 साल पहले हो चुकी थी और पूजा पति के साथ कोलकाता में ही रहा करती थी। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना पड़ता है। प्रोग्राम बेंगलोर के परपना अग्रहरा नाम की जगह के एक होटल में होना था। तय शेड्यूल के मुताबिक 29 तारीख को पूजा कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलोर के केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आती हैं और यहां से एक ओला कैब बुक करके होटल तक आती हैं। जब पूजा एयरपोर्ट से होटल जा रही थी तभी ओला ड्राइवर से पूजा की थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। इस दौरान ड्राइवर का बिहेवियर पूजा को अच्छा लगता है और दोनों बात करते हुए होटल तक पहुंच जाते हैं। पूजा कार से उतर जाती है, मगर होटल के अंदर जाने से पहले वो ड्राइवर को कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो तुम मुझे 31 जुलाई 2019 को सुबह 4 बजे इसी होटल से पिक कर लेना, क्योंकि सुबह में ही मेरी बेंगलुरु से कोलकाता के लिए फ्लाइट है। 1200 रुपये में बात तय होने के बाद ड्राइवर हामी भर देता है और वहां से चला जाता है। अब तारीख आ जाती है 31 जुलाई 2019। सुबह के 4:45 पर पूजा अपने हस्बैंड को टेक्स्ट मैसेज के जरिए गुड नाइट कहती है और उसे बताती है कि मैं तय समय पर कोलकाता पहुंच जाऊंगी। पूजा के बताए शेड्यूल के मुताबिक ही पूजा का पति कोलकाता में पूजा का इंतजार करता रहता है, मगर पूजा नहीं आती है। यहां तक कि शाम हो जाती है मगर पूजा का कहीं भी अतापता नहीं चलता है। पूजा का पति करीबी दोस्तों रिश्तेदारों तक को फोन करता है, मगर कहीं से भी पूजा के बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है। पूजा के पास 2 मोबाइल फोन थे, मगर दोनों ही मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे, इसलिए पूजा के परिवार वालों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी ये लोग पूजा की तलाश में लगे ही हुए थे कि तभी पूजा एक मैसेज करती है। मैसेज में लिखा हुआ था, आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी, नीड कैश। एक और मैसेज के जरिए पूजा पति से अर्जेंटली 5 लाख रुपए की डिमांड करती है। इन मैसेज को देखकर वो तुरंत पूजा को फोन करने की कोशिश करते हैं, मगर मोबाइल फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ये वापस मैसेज करते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जल्द से जल्द मुझसे फोन पर बात करो। इस मैसेज का दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और फिर मैसेज का सिलसिला भी बंद हो जाता है। पैसों की डिमांड वाले मैसेज से पूजा के पति अनहोनी की आशंका में घिर जाते हैं और वो भागते हुए कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इस दौरान वो पैसे की डिमांड वाले मैसेज का भी जिक्र करते हैं। कोलकाता पुलिस मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, मगर इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यहां तक कि कई दिन बीत जाते हैं मगर पुलिस की ओर से एक भी अपडेट परिवार वालों को नहीं दी जाती है। इधर कोलकाता में पूजा के परिवार में अलग तरह की हलचल मची हुई थी, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु पुलिस एक अलग ही केस को सुलझाने में अपना पसीना बहा रही थी। वहां मामला ये था कि 31 जुलाई 2019 को कुछ स्थानीय लोग पुलिस वालों को केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड में पड़ी एक लाश के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर आती है और लाश की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। कंपाउंड में मिला शव किसी महिला का था। हालांकि उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, क्योंकि चेहरे को इतनी बुरी तरीके से कुचल दिया गया था
कि पूरा का पूरा हुलिया ही बदल चुका था। उस शव के पास एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। लाश मिलने के बाद पुलिस इसकी पहचान करने के लिए शव के हुलिये की डिटेल सभी थानों में भिजवा देती है और अलग अलग थानों में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है, ताकि उन रिपोर्ट में दी गई डिटेल्स के आधार पर शायद इस शव की पहचान हो सके, मगर कहीं से भी उस शव की पहचान नहीं हो पाती है। काफी इंतजार के बाद भी जब उस शव की पहचान नहीं होती है तो पोस्टमार्टम के बाद कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पूरे सम्मान के साथ पुलिस की निगरानी में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उस शव के पास मिले सामान इकट्ठा कर लिए जाते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार से पहले शव के शरीर पर मौजूद टैटू की भी तस्वीरें ले ली जाती हैं। बेंगलुरु पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार जरूर कर दिया था, मगर अब भी पुलिस वालों की पूरी कोशिश थी कि कैसे भी उस महिला के परिवार वालों तक पहुंचा जाए। इसी कोशिश में एक जांच टीम बनाई जाती है और महिला के परिवार वालों का पता लगाने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले पुलिस उस महिला के शरीर पर मौजूद टैटू की मदद से उसकी पहचान की कोशिश करती है, मगर काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस वालों को कामयाबी हाथ नहीं लगती है। इसके बाद पुलिस कपड़ों के जरिए महिला की पहचान करवाने की कोशिश करती है। दरअसल पुलिस महिला के शरीर से बरामद कपड़ों के ब्रांड का पता लगाती है और फिर उस ब्रांड आउटलेट पर जाकर देश भर में पिछले 2 साल में उस साइज के कपड़ों की खरीदारी करने वाले सभी कस्टमर की डिटेल निकलवाते हैं। ये काम आसान नहीं था, इसके बावजूद पुलिस कई दिनों तक इसी काम में लगी रहती है। इसी जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ इस तरह के कपड़ों की खरीदारी कोलकाता में की गई है। उसी आधार पर पुलिस वाले अब पता लगाते हुए कोलकाता तक आते हैं। अब यहां आकर पिछले कुछ महीनों में कोलकाता में दर्ज की गई सभी थानों से मिसिंग रिपोर्ट मंगवाते हैं। सभी मिसिंग रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट से बेंगलुरु में मिली लाश का हुलिया काफी हद तक मिलता जुलता पाया जाता है। केस की फाइल अच्छे से चेक करने के बाद पुलिस अनुमान लगा लेती है कि बेंगलुरु में पिछले दिनों पुलिस को जो लाश मिली थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि पूजा सिंह डे की हो सकती है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इसी के बाद बेंगलुरु पुलिस इस बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पूजा सिंह के भाई को फोन करती है। फोन मिलते ही बिना किसी को बताए पूजा का भाई तत्काल ही फ्लाइट लेकर बेंगलोर चला जाता है। वहां पुलिस उसे शव के पास से बरामद सभी दूसरी चीजें तथा तस्वीरें दिखाती है। भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर सभी दूसरी चीजें देखकर पूजा का भाई ये कन्फर्म कर देता है कि वो मृत महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन पूजा ही थी। इसके बाद पूजा का भाई तुरंत अपने जीजा तथा अपने पिता को भी फोन करता है और इस बात की जानकारी देता है। वो लोग भी जानकारी मिलते ही अगले दिन फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चले आते हैं। ये लोग भी पूजा की आइडेंटिटी को कन्फर्म करते हैं। जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। पूजा के गायब होने के तुरंत बाद पूजा के पति ने कोलकाता में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसमें पूजा के बेंगलुरु जाने का भी जिक्र किया था। ढंग से ये होना चाहिए था कि कोलकाता पुलिस तुरंत बेंगलुरु पुलिस को इस मिसिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे, मगर कोलकाता पुलिस केस दर्ज करने के बाद फाइल को यूं ही धूल खाने के लिए छोड़ देती है। वो तो बेंगलोर पुलिस की मेहनत थी जो पूजा का परिवार मिल पाया। खैर, पुलिस ने इस बात को तो पता लगा लिया था कि मरने वाली महिला कौन है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि आखिर इस महिला की ऐसी हालत किसने की है। पूजा के ईमेल का एक्सेस पूजा के पति के पास भी था। उन ईमेल से पता चलता है कि पूजा ने बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद होटल तक जाने के लिए ओला कैब बुक की थी। पुलिस अब उसी ओला कैब को ट्रेस करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि पूजा द्वारा की गई बुकिंग ही उस ओला कैब की आखिरी बुकिंग थी, यानी पिछले 17-18 दिनों से उस कैब की दोबारा बुकिंग नहीं हुई है। पुलिस डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि उस कार के ड्राइवर का नाम H.M. नागेश था, जिसकी उम्र 22 साल है। पुलिस अब मोबाइल नंबर के जरिए नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है। इसी ट्रेसिंग के दौरान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली जानकारी आती है कि जब पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड वाला मैसेज आया था तब पूजा के मोबाइल का लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही था। इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस वाले ओला ड्राइवर H.M. नागेश के पीछे पड़ती है और बहुत जल्द H.M. नागेश को पुलिस अपनी पकड़ में भी ले लेती है। पहले तो नागेश पुलिस के हर आरोप को नकार देता है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो नागेश एक के बाद एक राज
उगलना शुरू करता है। नागेश का खुलासा बेहद ही हिला देने वाला था। नागेश के खुलासे के मुताबिक पूजा ने ओला ऐप के जरिए नागेश की कार को बेंगलुरु क्रिसेंट रोड से सहारा पेविलियन होटल तक छोड़ने के लिए बुक किया था। इसी सफर के दौरान पूजा ड्राइवर से बातचीत करती है। नागेश का व्यवहार पसंद आने पर उससे कहती है कि अगली सुबह यानी 31 जुलाई को मुझे सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए वापस एयरपोर्ट आना है। अगर तुम चाहो तो सुबह मुझे पिक कर लेना, क्योंकि इतनी सुबह शायद कोई दूसरी कार समय पर मुझे ना मिले। नागेश मान जाता है तथा बात 1200 में तय हो जाती है। ये डील होते ही नागेश के दिमाग में शैतानी ख्याल आने शुरू होते हैं और वो पूजा को लूटने का प्लान बनाने लगता है। दरअसल नागेश को लगता है कि पूजा बहुत अमीर है और उसके पास ढेर सारा पैसा और ज्वेलरी हो सकता है। बस इसी लालच में पहले तो नागेश एक दुकान से चाकू खरीदता है और उसे अपनी कार की सीट के नीचे छुपा देता है। इसके अलावा कार का जैक रॉड भी वो अपनी सीट के पास ही रख लेता है। इसके बाद डील के मुताबिक ही नागेश अपनी कार लेकर सुबह के 4:45 बजे पूजा को लेने के लिए होटल तक चला आता है। पूजा भी तैयार ही थी। जल्दी से वो कार में बैठती है और कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाती है। क्योंकि पूजा बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसने सही ढंग से नींद भी नहीं ली थी, इसलिए कार के अंदर जाते ही पूजा की आंख लग जाती है। जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो गई है, वो एयरपोर्ट का रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते की तरफ अपनी कार मोड़ देता है। क्योंकि पूजा नींद में थी इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चलता है। इसके बाद बड़े आराम से नागेश कार को चलाते हुए एक सुनसान इलाके में ले जाता है। सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद वो पूजा को जगाता है और उससे जल्द से जल्द सभी सामान देने को कहता है। पूजा विरोध करती है और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर पूजा चिल्ला पाती उससे पहले ही नागेश अपने पास मौजूद लोहे का रॉड सीट के नीचे से निकालता है और पूजा के सर पर जोर से दे मारता है। रॉड के चोट की वजह से पूजा वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पूजा के बेहोश होते ही नागेश पूजा को फिर से कार के अंदर डालता है और वो उसे वहां से लेकर कदायरा पनाहल्ली नाम की जगह पर चला जाता है। यहां आकर वो एयरपोर्ट के कंपाउंड में अपनी कार खड़ी करता है। यहां कार रुकते ही पूजा वापस होश में आती है और वो दरवाजा खोलकर कार से निकलकर लड़खड़ाते कदमों से वहां से भागने की कोशिश करती है। ये देखकर नागेश भी उसके पीछे दौड़ता है और अपने पास छुपा कर रखा गया चाकू निकालता है और पूजा पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर देता है। चाकू के लगातार वार की वजह से पूजा बुरी तरीके से लहूलुहान हो जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाने की भी कोशिश करती है, मगर इतनी सुबह कोई भी उसकी चीखें सुनने वाला नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को कम से कम 22 बार चाकू से मारा गया था। इतने हमलों के बावजूद पूजा अभी भी सांसें ले रही थी। ये देखकर नागेश को और ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो पास में रखा बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाता है और पूजा की छाती पर दे मारता है। पत्थर के वार की वजह से आखिरकार पूजा की सांसें टूट जाती हैं। नागेश ने पूजा की जान ले ली थी, मगर उसे अब डर सताने लगता है कि पूजा की पहचान हो जाएगी और वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। इसलिए अब वही पत्थर उठाकर बार बार पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। वो तब तक पत्थर मारता है जब तक कि पूरा चेहरा बिगड़ नहीं जाता है। पूजा को मारने के बाद वो लाश को पास के ही झाड़ी में फेंक देता है। इसके बाद वो पूजा का सभी सामान अपने कब्जे में ले लेता है। नागेश को उम्मीद थी कि पूजा के पास से उसे लाखों रुपए मिलेंगे, मगर पूजा के पर्स में सिर्फ 500 का एक नोट तथा 2 क्रेडिट कार्ड थे। इसके अलावा पूजा के पास 2 मोबाइल फोन भी थे, जिसमें एक मोबाइल फोन एप्पल का था जबकि दूसरा वीवो कंपनी का था। नागेश वो 500 रुपए तथा दोनों मोबाइल लेकर वहां से चला जाता है। पास के मोबाइल शॉप पर जाकर वो किसी तरह वीवो मोबाइल का IMEI नंबर बदलवा लेता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, जबकि आईफोन को किसी को सस्ते दामों में बेच देता है। इसके अलावा वो पूजा के मोबाइल वॉलेट से कुछ 1000 रुपए अपने वॉलेट में भी ट्रांसफर कर लेता है। इसी के बाद वो पूजा के वीवो मोबाइल से ही टूटी फूटी अंग्रेजी में पूजा के पति से 5 लाख रुपए की डिमांड करता है, मगर टूटी फूटी अंग्रेजी देखकर पूजा के पति को अंदाजा हो जाता है कि ये तो पूजा ने नहीं लिखा है। इसी के बाद वो पुलिस तक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये सब कुछ टल सकता था अगर पूजा ने थोड़ी सी नादानी नहीं की होती। दरअसल पूजा ने दोबारा ड्राइवर से जब सुबह सुबह पिक करने की बात की थी तो ये डील ओला ऐप के माध्यम से नहीं
बल्कि डायरेक्ट बस बातों के जरिए हुई थी। पुलिस के मुताबिक अगर पूजा ने ये राइड ऑनलाइन ऐप के जरिए की होती तो शायद नागेश ऐसा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में ड्राइवर के पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है तथा उस तक मदद भी बहुत जल्दी पहुंच सकती है। मगर चंद पैसे बचाने के लिए या फिर सुबह जल्दी कार ना मिलने की फिक्र में पूजा ने ड्राइवर से ऑफ द प्लेटफॉर्म डील कर ली। इस डील की कीमत पूजा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अक्सर कार बुकिंग ऐप तथा पुलिस की ओर से भी कहा जाता है कि कभी भी ऑफ द प्लेटफॉर्म डील ना करें। ऐसा करके आप चंद पैसे तो बचा लेंगे, मगर किस्मत खराब हुई तो आपकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है और आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, तो हमेशा सावधान रहें। फिलहाल नागेश की बात करें तो इस पूरे खुलासे के बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल उस पर पूजा की हत्या, सबूत मिटाने तथा लूटपाट करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला चल रहा है। 2021 में पुलिस ने अपनी चार्जशीट भी फाइल कर दी थी। फिलहाल सलाखों के पीछे बंद नागेश सजा का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आपके अनुसार ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विस का यूज करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने क्राइम की कहानी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।